नमस्कार, मैं हूं प्रकाश सिंह। आप देख रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज का वेब पोर्टल। आजमगढ़ में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक द्वारा सड़क पर लोगों को जागरूक करने के लिए सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत अहम जानकारियां दी गई जो यातायात नियमों से संबंधित थी। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जिलाधिकारी के और पुलिस अधीक्षक के इस प्रयास के बाद भी आजमगढ़ के लोगों ने उन बातों पर गौर करना मुनासिब नहीं समझा और दूसरे ही दिन यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाते दिखे। सड़क पर जब हम निकलते हैं तो इस बात की गारंटी नहीं होती है कि वापस या सही सलामत अपने घर कब और कैसे पहुंचेंगे। दरअसल लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से सड़क सुरक्षा सप्ताह हर बार मनाया जाता है, लेकिन यह केवल अभियानों तक ही सीमित रह जाता है। इस बार भी प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ द्वारा सड़क सुरक्षा सप्ताह द्वारा जनता को जागरूक कर यातायात नियमों की जानकारी देने के निर्देश के बाद कलेक्टर आजमगढ़ नागेश प्रताप सिंह और पुलिस विभाग के मुखिया त्रिवेणी सिंह सहित पुलिस अधीक्षक नगर कमलेश बहादुर, सीओ सदर मोहम्मद अकमल व अन्य अधिकारी कर्मचारी गणों की मौजूदगी में थाना कोतवाली से पहाड़पुर तक रूट मार्च निकाला गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा आम जनता के बीच यातायात के नियमों के बारे में बताया गया। दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए, चार पहिया वाहन को चलाते समय सीट बेल्ट लगानी चाहिए, यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए ताकि आए दिन हो रही सड़क दुर्घटना से बचा जा सके। सड़क सुरक्षा सप्ताह जुलूस नगर के पहाड़पुर चौकी से होते हुए नगर कोतवाली पहुंचकर समाप्त हुई। दरअसल जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन आम लोगों को यातायात नियमों के बारे में जागरूक करता रहा। क्योंकि हमारा 17 तारीख से लेकर के और 22 तारीख तक सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। इसमें रोड सेफ्टी से रिलेटेड सारे मुद्दे लिए जाएंगे, जैसे क्या कायदे कानून हैं जनता के बीच में जाके हम उनको बताएंगे, बच्चों को बताएंगे, स्कूलों में जाएंगे, तरह तरह के कार्यक्रम हैं ट्रैफिक रूल्स रेगुलेशन पे। और दूसरा हम व्यापारी संगठनों से जनता के बीच में जा करके उनके अतिक्रमण की जो समस्याएँ हैं, जो ट्रैफिक जाम लगे रहते हैं, उस जाम का कैसे निदान किया जाए, इस पर हम चर्चा करेंगे। और आम सहमत से हम एक इंक्रोचमेंट ड्राइव शहर में शुरू करने वाले हैं ताकि ट्रैफिक जाम ना हो। और ये 17 से लेकर के 22 तक तरह तरह के कार्यक्रम रोज डेली बेसिस पे हम लोग स्कूल में जाके, जनता के बीच में जाके, सड़क पे आकर के करेंगे। लेकिन जागरूकता के दूसरे ही दिन जब सड़क पर हमने आलम देखा तो ना तो किसी के सर पर, ज़्यादातर लोगों के सर पर हेलमेट था, ना कोई सीट बेल्ट लगाया हुआ था, सब के सब अपनी मनमानी। यहाँ तक कि कुछ तो ऐसे भी थे जिनके शायद लाइसेंस बने ना हों, वह भी फर्राटे से सड़कों पर गाड़ियाँ दौड़ा रहे थे। देखना यह होगा कि प्रशासन के इस कदम को जनता कब समझती है, या फिर आए दिन अपनी जानें गंवाकर चोट खाने के बाद भी जनता यह मानने को तैयार नहीं है कि सड़क सुरक्षा अभियान केवल कागजों और जागरूकता अभियान तक सीमित नहीं, उनके जीवन से जुड़ा एक बड़ा सवाल है।